स्टूडेंट वेलकम टू LBS टूडेज लेक्चर नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टैंडर्ड 7 टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ रेड कलर्ड सब्सटेंस ओवर इट इट इज कॉल्ड रस्ट. जो आयरन होता है जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच रिएक्शन होता है. उनके बीच रिएक्शन होने से क्या होता है, जो आयरन होता है उसके ऊपर रेड कलर का सब्सटेंस आ जाता है या रेड कलर की कोटिंग आ जाती है, रेड कोटिंग आ जाती है. वो जो रेड कोटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है रेड कलर की. वो रेड कलर की जो कोटिंग होती है उसे हम रस्ट कहते हैं. Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. ओके, एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो 2, 3 और 4 लिखा है ये बैलेंस करने के लिए लिखा है इस रिएक्शन को. बिकॉज Fe और O2 के साथ रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है Fe2O3 आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3. अब यहाँ पे Fe2 होता है, यहाँ पे Fe1 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है. बैलेंस नहीं, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. अब मैं यहाँ पे 3 नहीं कर सकता हूँ. क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है. अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो मैं 3 नहीं कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 2 3 जा 6 कर सकता हूँ, पर 3 नहीं कर सकता हूँ. और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 करूँ, ओके, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा. 3 1 यहाँ से 1 पे मल्टी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 जा 3 होगा. 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 जा 6 होगा, 4 नहीं होगा. तो मुझे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसे 6 करना पड़ेगा. 3 2 जा 6 यहाँ पे 6 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 थे. यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 6 करने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 जा 6 ओके. ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. यहाँ पे Fe कितना था, 2, पर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो अब Fe कितना हो गया, 2 2 जा 4 Fe4 हो गया. यहाँ पे Fe कितना था, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी ये 4, 3 और 2 ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किए गए. ओके, अब Fe2O3 आयरन है, आयरन ऑक्साइड है. आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड का ये रस्ट का सूत्र है, Fe2O3 into XH2O. ओके, ये क्या है, रस्ट का फॉर्मूला. ओके, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में वन और उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंस भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके, अ गैस में भी फॉर्म्ड, गैस फॉर्म्ड होती है. सपोज हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क है ये, इसमें हमने क्या लिया, H2SO4, क्या लिया, H2SO4. H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है. ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है. और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, जिंक ऐड किया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ऐड किए. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें मिलेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट. और एक गैस इसके अंदर से फॉर्म्ड होगी, वो होगी H2 गैस. H2 गैस हाइड्रोजन गैस कब फॉर्म्ड हो रही है, तो जब जिंक और H2SO4 क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं. तो हमें क्या मिल रहा है, एक सब्सटेंस मिल रहा है, जिंक सल्फेट. ओके, और जो गैस फॉर्म्ड हो रही है वो H2 डाइहाइड्रोजन गैस. अब गैस में भी फॉर्म्ड होती है, गैस भी इसमें से फॉर्म्ड होती है रिएक्शन से केमिकल. चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो आयरन सल्फेट होता है, सॉरी जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है. ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू का होता है, पर जब वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो जो आयरन सल्फेट मिलता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है. तो रिएक्शन हुआ ना, केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज से क्या हुआ, कलर भी चेंज हुआ. ओके,
अ चेंज इन ऑर्डर में टेक प्लेस। क्या होता है, ऑर्डर भी चेंज होता है, जैसे कि फूड है उसको बाहर रख दिया हमने, ठीक है, बहुत लंबे समय तक बाहर है तो क्या होगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। अब देखो फूड की शाम तक स्मेल चेंज हो जाती है ना, ओके, तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, जिससे क्या हो रहा है, उसकी स्मेल चेंज हो गई, ओके। टॉपिक इज गैल्वेनाइजेशन, ओके, गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक और आयरन की एक लेयर को जमा करने की प्रोसेस है, ओके, आपने देखा होगा, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कि जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की लेयर होती है, आयरन के ऊपर क्या होती है, जिंक की लेयर। अब गैल्वेनाइज पत्रे आते हैं, आपने देखा होगा, ओके, कलर वाइज होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। तो क्या होता है, वो गैल्वेनाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो आयरन क्या होता है, वो वाटर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होता है, रस्ट में। तो जिंक जो होता है, सपोज ये क्या है, आयरन है, इसके ऊपर जिंक की लेयर आ गई, इसके ऊपर क्या आ गई, जिंक की लेयर आ गई। अब जो वाटर होगा वो वाटर इसके साथ जिंक के ऊपर आएगा, और जिंक जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जिंक की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि आयरन के ऊपर जो है वो रस्ट लगेगा, नहीं, क्योंकि आयरन तो अंदर है, ऊपर किसकी लेयर है, जिंक की लेयर है, वो वाटर अंदर जा नहीं सकता है, ओके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन द प्रोसेस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सब्सटेंस के एक सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके सॉल्यूशन में से क्रिस्टल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ओके। कॉपर सल्फेट है, उसको हम बॉयल करके उसके क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट को बॉयल किया जाता है, यानी गर्म करके हम उसमें से क्रिस्टल बना सकते हैं, यानी उसके क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।